हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन का सवानी खाका मुलाहजा फरमाएं और आपका योम विसाल भी मुलाहजा फरमाएं, आपकी हालात ज़िंदगी भी मुलाहजा फरमाएं। शहजादा इमाम हुसैन असीर करबला सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन अबुल हसन सैयदना अली औस्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम 38 हिजरी में मदीना तैयबा में पैदा हुए। तकरीबन 2 साल अपने दादा मोहतरम सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की आगोश मोहब्बत पाई। रमज़ान मुबारक 40 हिजरी में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शहादत पाई, जिसके बाद तकरीबन 9 साल अपने ताया जान सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निगरानी में रही। 5 रबीउल अव्वल 49 हिजरी में इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए तो वालिदे गिरामी सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से तरबियत नसीब हुई। नाजरीन, मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी में जब वाकिया करबला पेश आया तो आप भी अपने बाबा जान इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम के हमराह उसमें शरीक थे। तब आपकी उम्र शरीफ 22 साल थी और बीमारी की वजह से मैदान करबला में तशरीफ फरमाना हो सके। खानदान रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्दों में से सिर्फ आप ही कैदी थे, बाकी सब ने जाम शहादत नोश किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल पाक आप ही से है। तो नाजरीन, 18 मुहर्रमुल हराम 94 हिजरी में आपका विसाल हुआ और आपकी तदफीन जन्नतुल बकी में की गई। अल्लाह की उन पर करोड़ों रहमतों का नजूल हो और उनके सदके से हमारी मगफिरत हो। आमीन।